Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to discuss about liquidation and we will be discussing all the aspects of liquidation. These are must-do topics for UGC NET JRF set and I hope this video will be helpful to you guys. If you find this video helpful, then do like, share and subscribe Commerce Tutorpedia. Let us start with meaning. Liquidation is also known as winding up, is a process by which a company's existence is brought to an end. So liquidation क्या होता है आपके पास, जब एक कंपनी अपने एंड के ऊपर आ जाती है, is brought to an end, is known as liquidation or winding up. ठीक है, तो ये दोनों substitution है एक दूसरे के लिए, winding up and liquidation. Then for this purpose, first of all, a liquidator is appointed, और या तो वो shareholders द्वारा appoint किया जाता है या फिर court द्वारा. ठीक है, और ये जो liquidator होता है यही represent करता है the interest of all the creditors. ठीक है, और the liquidator supervises the liquidation which involves collecting and realizing the company's assets, discharging the company's liability and distribution any funds left over among the shareholders. बात समझ में आ गई. अब आ जाते हैं इसके टाइप्स के ऊपर. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन, देखा जाए तो पहला होता है बाय कोर्ट हो जाए और दूसरा होता है वॉलेंटरी लिक्विडेशन. अगर हम बाय कोर्ट की बात कर रहे हैं, अ वाइंडिंग अप बाय कोर्ट और कंपल्सरी वाइंडिंग अप इसको भी बोल सकते हैं. क्या नाम दे सकते हैं इसका हम, कंपल्सरी वाइंडिंग अप जो होता है, एज इट इज ऑफन कॉल्ड, इट इज इनिशिएटेड बाय एन एप्लीकेशन बाय वे ऑफ पिटीशन. पहले एक पिटीशन होनी चाहिए कोर्ट के अंदर, उसके बाद ही ये चीज शुरू होती है आपके पास. ठीक है, दूसरे का नाम है वॉलेंटरली लिक्विडेशन, जिस जो कि सेक्शन 484 में डिस्क्राइब्ड है एज अ सर्कमस्टेंसेस इन विच कंपनी में बी वुंड ऑफ वॉलेंटरली. कौन कौन से ऐसे पीरियड हो सकते, ऐसे से रीजन हो सकते हैं जिसके अंदर कंपनी खुद ब खुद लिक्विडेट हो जाती है. इसका पहला रीजन हो सकता है हमारे पास व्हेन द पीरियड हैज एक्सपायर्ड और द इवेंट हैज अकर्ड, मतलब जो वो इवेंट अकर हो चुका है जिसके लिए ये कंपनी बनी थी, है ना, जो कि हमने आर्टिकल्स के अंदर प्रोवाइड की थी, जिसके बाद कंपनी को डिसॉल्व होना ही पड़ेगा. ठीक है, तो और कंपनी क्या करती है, इसके लिए एक जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन भी पास कर देती है. ओके, या फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन से, अगर कंपनी पासेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन तो भी आपके पास कंपनी जो होती है वो वाउंड अप हो जाती है वॉलेंटरली. ठीक है, अब उसके बाद है कि सेक्शन 485 है जो पब्लिकेशन के बारे में बताता है. क्या बताता है कि जब कंपनी पास कर देती है ना एक रेजोल्यूशन फॉर वॉलेंटरी वाइंड अप, इट शैल विद इन 14 डेज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन नोटिस द रेजोल्यूशन पब्लिश, मतलब उनको एक पब्लिश करना पड़ता है नोटिफिकेशन. और क्या बोलती है, इफ द डिफॉल्ट मेड इन कॉम्प्लाई विद सब सेक्शन 6 द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन मे बी एक्सटेंड टू 500 फॉर एवरी डे. अगर इसमें नहीं, ये चीज नहीं होती है तो वो हर एक इंसान जो कि ऑफिसर है या फिर डिफॉल्ट में है उसको पनिशेबल किया जाएगा विद अ फाइन. अब है आपके पास कि ग्राउंड्स क्या क्या है कंपल्सरी वाइंडिंग अप के, किस किस के कारण कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो जाता है. तो 433 है वो प्रोवाइड करवाता है कि कौन कौन से बेसिस है. पहला है इफ द कंपनी डज नॉट कमेंस इट बिजनेस, मतलब विद इन अ ईयर के अंदर नहीं शुरू करता है इनकॉर्पोरेशन के बाद तो उसका कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो जाएगा. अगर वो एक डिफॉल्ट है इन डिलीवरिंग द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू द रजिस्टर्स और इन होल्डिंग द स्टैट्यूटरी मीटिंग अगर नहीं करवाते हैं तो भी कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो जाएगा. इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल की हो जानी चाहिए, इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो रिक्वायर्ड. ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक के अंदर क्या क्या आपके पास मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो आपको मुझे बताना है. ठीक है, ओके, पब्लिश नहीं, मैं पब्लिक लिखने वाली थी यहाँ पे कि पब्लिक और प्राइवेट के अंदर क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर्स है
वो आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। अब है आपके पास कि हु मे फाइल पिटीशन, कौन कौन ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो कंपनी खुद कर सकती है, कोई क्रेडिटर कर सकता है, अ कॉन्ट्रीब्यूटरी जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है पैसे, ऑल और एनी ऑफ द अबव पार्टी, द रजिस्ट्रार, एनी पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये सारे के सारे मैंने ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं इसके अंदर जो कि मैंने देखे हैं एनटीएससी में आए हुए हैं आपके पास, एनटीएससी बोल रही हूँ, नेट में आए हुए हैं आपके पास। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं लिक्विडेशन के बाद। तो लिक्विडेशन के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि कंपनी इज नो लॉन्गर, अच्छा इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं, कंपनी इज नो लॉन्गर हैज़ द पावर टू डिस्पोज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, उसकी जो डिस्पोजिशन होगा वो लिक्विडेटर करेगा। ठीक है, तो नो पावर टू डिस्पोज, नो पावर टू डिस्पोज इट्स प्रॉपर्टी। ओके, और क्या हो सकता है, कंपनी जो होता है वो अपने कैरी ऑन कर सकता है बिजनेस को ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पस, थोड़े दिन के लिए जब तक लिक्विडेशन पूरा नहीं हो जाता। द पावर ऑफ द कंपनी डायरेक्टर्स भी क्या होता है इसके बाद, कम टू एन एंड, पावर्स ऑफ डायरेक्टर कम्स टू एन एंड, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स कम्स टू एन एंड एंड ठीक है। और है आपके पास द पावर, द लिक्विडेशन ऑर्डर्स ऑपरेट एज अ नोटिस ऑफ डिसमल ऑफ ऑल द कंपनीज एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका भी डिसमल हो जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कंप्लीट कम डिसमल हो जाते हैं, है ना। ओके, डिसमिसल ये लिख लीजिएगा। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, ये आपका लिक्विडेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है जो कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर हमने देख, एडवांस अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं आप इसको, उसमें देखने को मिलता है। और भी कोई टॉपिक होंगे जैसे अमलगमेशन, मर्जर्स, एक्विजिशन, वो सभी मैं लेके आऊँगी। अगर आपको ये टॉपिक्स के अंदर भी कोई और टॉपिक समझना है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ट्यूटर पीडिया, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ऑलराइट, थैंक यू गाइस।